सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया तो इसमें भी सभी तीर्थों का जल जैसे उसके बाद जितने तीर्थ थे जितने विश्वासी थे सबको भगवान ने भंडारा दिया योगदान दिया इसकी वजह से इसका नाम भंडारा पड़ा एक गौ सेवा का योगदान का भंडारे का विशेष हो गया जो समुद्र अवस्था होती है इस तीर का पानी खत्म हो जाता है हमारे हिंदू युक्ति में जो क्रिया होती सब वही है वेद मंत्र के पाठ की हवन की तीरा की लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की ज्यादा लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता जवाब मानने तो दर्शन जो विवाह के दर्शन है भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिससे विवाह के दर्शन होते हैं विवाह के दर्शन होते आप दर्शन करोगे बंसी बिलाते करोगे या बंसी देंगे आराम से करोगे तो उसे मुझे लीला है एक दिन की बात है भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो भगवान बोले राधे से राधे तो मैं भांति बंधु है हमारा तुम्हारा नैकुंठ जीवन है हमारे तुम्हारे सुंदर की लीला हुई है राधे जी की क्या हुई है आज या बंधु पशु सुन जो भक्ति आ गए प्रिय सुबह को आत्मन करे हो वह चौथ है सप्ताह के दर्शन को प्रदान जो स्नान करे हो वो जाने अनजाने पापों से मुक्ति पा सके जो अपनी मनोकामना बोले हो बाकी में मनोकामना पूरी करो हो जो भक्त एक रात से निवास करे हो वो आपके स्नान करे हो मेरे दर्शन करे हो तो गुरु की प्राप्ति करे राधे जो सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तपन करेगा पिंड दान करेगा उसकी 73 चीजों का उद्धार होगा और जो यहाँ बैठ करके कोई चीज खा रहा हो तो नहीं रुकेगा इसीलिए करके राधे जी मुझे प्रभु आपने बहुत ही भीड़ लगते हैं इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी 2400 बंदे आ जाएंगे हमारे समय में माता पर कहती है भगवान बोले राधे उस नियम यह मेरा भक्त तो वृंदावन यहाँ की बिना यहाँ आपको प्रकाशन नहीं जाना जब भक्त कई बार पूरे विष्णु घूम जाए हो तब उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भाई बोल हर भक्त को भाई बोलने नहीं आएगा